हम अफ़गानी प्लाज़ो बनाने जा रहे हैं। इसमें जो लेंथ है हमारे पास वो है 35 इंचेस और जो थाइज है हमारा वो है 26 इंचेस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो कपड़ा है वो मैंने 2 फोल्ड में ले लिया है। इसे देखिए, ये इसकी बंद साइड है। अब यहाँ से देखिए, जो टोटल लेंथ है हमारे पास वो है 35 इंचेस। तो इसमें हम 2 इंचेस कम करेंगे, 1 इंच की जो है वो इसमें बेल्ट ऐड करेंगे हम, और 1 इंच जो है वो हम इसके बॉटम में एक पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए, ये हमारे पास रह जाएगा 33 इंचेस। यहाँ से 33 इंचेस और 1 इंच जो है वो हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। तो टोटल हमारे पास आ गया 34 इंचेस इस तरह से। यहाँ से जो है वो आसन का निशान लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 11.5 इंच पे, देखिए। और थाइस जो है हमारे पास वो है 26 इंचेस, तो उसका हमने हाफ लेना है 13 इंच। और यहाँ से 2 इंच जो है वो कम करके यहाँ पे ये कमर के लिए निशान लगा देंगे। और यहाँ पे भी ऐसे ही देखिए, ये हमारे पास आ गया 11 इंचेस, और यहाँ से भी हमने 11 इंचेस ले लेना है इसे, देखिए इस तरह से। और यहाँ से ये आसन का निशान लगा देंगे। ये मैंने मेज़रिंग जो की है वो इस खुली साइड से की हुई है। अब यहाँ से देखिए, बॉटम में भी हमने जितना हमारे पास हमारा थाइस का मेज़रमेंट है उतना ही हमने नीचे बॉटम में ले लेना है 13 इंच। ऐसे इसको इस तरह से मिला देंगे। देखिए, इसके यहाँ से कटिंग कर देंगे हम। इसके हमारे पास फ्रंट पार्ट आएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसका बैक पार्ट निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने इसका जो है वो बैक पार्ट निकालना है। तो यहाँ से ये जो हमने इसका फ्रंट पार्ट लिया हुआ है को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। और यहाँ से ये देखिए, ये हमारा इसका फ्रंट पार्ट। यहाँ से इसके ऊपर हमने 2.5 इंच लेना है, ये फ्रंट पार्ट के ऊपर 2.5 इंच। और ये जो हमारी आसन वाली साइड है यहाँ से भी हमने 2.5 इंच। और ये जो हमारा यहाँ पे आसन है इसके साथ भी हमने 2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से। देखिए, बॉटम में भी इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो हमारे पास ये जो इसका बैक पार्ट का आसन है, इसको फ्रंट पार्ट जो है वो इसकी आगे वाली साइड से मिलाना है। देखिए, ये इसका बैक पार्ट जो है इसको हम यहाँ से इस तरह, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसकी अंदर वाली साइड से मिला देंगे, तो इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से हम। देखिए,
देखिए अब हम इसके लिए बेल्ट की कटिंग करने जा रहे हैं। बेल्ट जो हुआ है वो मैंने 4 इंच लिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो मैंने इसकी लेंथ ली हुई है वो 28 इंचेस ली है। ये एस्टिमेटेड है, ये हम जब हमारा प्लाजो तैयार हो जाएगा उसके बाद एक्स्ट्रा जो होगा उसको कट कर लेंगे हम। ये देखिए ये मैंने इसके बॉटम में जो पट्टी लगानी है मैंने ये मैंने इसके लिए कट कर लिया है। ये देखिए ये 4.25 इंच के आसपास है, इसमें से हमने 1 इंच की पट्टी डालनी है तो वो आराम से हमारी लग जाएगी। इसमें हम टार्टन यूज़ करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम इसके आसन जो है उनको स्टिच करेंगे। तरह से हम इसको बीच से खोलकर इसके ये जो खुली साइड है इसकी हम से इसे बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया और ये इसका बैक पार्ट आ गया। यहाँ से इसे स्टिच कर देंगे साइड से। देखिए इसकी दूसरी साइड में हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इसके हम ये दूसरी तरफ जो है वो सिलाई इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है वो हमारी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आ जाए। हमने इसके दोनों साइड जो है वो सिलाई लगा ली है, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब यहाँ से देखिए हमने सिलाई थोड़ी मोटी रखनी है और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। ये देखिए ये इसके बॉटम में जो है वो हमने इस तरफ सिलाई लगानी है। देखिए ये इस तरह से आ जाएगी। अब हम इसे जो है वो एक तरफ से धागा निकाल कर जो है वो सेट कर लेंगे। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी मोरी चाहिए उसके हिसाब से ये जो गैदर्स बने हुए हैं इनको कर देंगे। तरह से मुझे मोरी जो है वो 6 इंचेस चाहिए तो ये मेरे पास जो है वो 13 इंच होना चाहिए। देखिए यहाँ से ये देखिए 13.5 इंच है। इसे बीच में यहाँ पे और जो है यहाँ से कपड़ा इकट्ठा कर देंगे हम। इस तरह से ये हमारे पास 13 इंच आ गया है। अब हम यहाँ पे पट्टी अटैच करेंगे उसके लिए। देखिए ये
देखिए कि मैंने इसमें बॉटम में जो है वो ये पट्टी लगाने के लिए निकाल ली है। ये देखिए ये पेस्ट पेस्टिंग वाली जो है वो टैटन ली है मैंने अभी इस तरह से। ये देखिए फिर हमारा ये जो आधा इंच छोड़ा हुआ है ये मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है। अब यहाँ से देखिए आपको ये जो पट्टी है ये आपको उल्टी तरफ से अटैच करनी है। देखिए इस तरह से ये जो पैंट प्लाजो है इसकी हमें उल्टी साइड जो है वो लेनी है और इस तरह से इसे अटैच करना है। ये देखिए ये हमने इसे अटैच कर लिया। अब ये जो इसकी सीधी साइड है यहाँ पे देखिए इस तरह से लगा देंगे हम। और साथ में ये देखो ये जो हमने पट्टी लगाई है इसे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ये इस तरह से जो है ये जो मैं बीच में इसके लेस लगा रही हूँ इस तरह से हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह से जो है वो हम इसकी ये जो दूसरी साइड है उसे भी इसी तरह से बना लेंगे। इसकी दूसरी साइड भी जो है ये पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हम इसे बंद करेंगे। मोरी जो है हमारे पास वो है 6 इंचेस। बेल्ट अटैच करेंगे जितना हमारे पास घेरा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी बेल्ट कट कर ली। मैंने जो है वो एस्टिमेट से ही लिया हुआ था। Thank you.